हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आस करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये आज का व्लॉग शुरू किया है बाहर से, मतलब बस में से। तो ये जो है ना, मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं बस में बैठी हूँ। जब से यहाँ पर आई हूँ, 7 साल हो गए हैं, मैं कभी भी बस में नहीं गई। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं कि यहाँ की जो बस है वो कैसी है। अंदर से ब्लू सीट्स होती हैं उनकी, और वेलवेट का ये जो कपड़ा वो लगा हुआ होता है अंदर से, काफ़ी सुंदर होता है। और ये जो लगे हुए हैं ना येलो से, है ना, वो पकड़ने वाले होते हैं। और उनके ऊपर ना एक रेड सा भी लगा हुआ है, स्क्वायर जैसा उनके ऊपर रखा हुआ है स्टॉप, तो वो प्रेस कर दो और जो भी बस तो पाएगा वहाँ पर आप रुक जाएं, जहाँ पर भी आपने रुकना होगा। और ये है वेस्ट फील्ड, जहाँ पर हम गए थे मूवी देखने। मैं और मेरी फ्रेंड गए थे इकट्ठे, और हम यहाँ पर बातें कर रहे थे कि वो जो नीचे है ना कपड़े वाली, है ना, एक मार्केट लगी हुई थी कि वो देख लें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि फिल्म शुरू होने वाली थी। तो फड़ा गया यार, कुंडा गांदे ही फड़ा गया। ओ शर्म कर ला, चार लावा लेके वे तन्नू इने। मेरा जी करता अज चार लावा ही दे। क्यों? कहंदा इन्ना दे गहने मोड़ दे। केड़े गहने? रोज दा एक गहना लेना कीता ने चौधरी तो राखी बदले। लालच नहीं, बस कर, लालच ना करे ना। यहाँ पर हम जो फिल्म है वो देख चुके थे, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, लोंगलाची 2 थी पंजाबी की, और काफ़ी पसंद आई हमें। तो मैं कोशिश करूँगी अगर मैं घर पर फिर से देख सकूँ इंटरनेट पर। तो वैसे तो हम यहाँ पर सभी फिल्में देख सकते हैं इंटरनेट पर, लेकिन बाहर आना जाना भी चाहिए तो पता चलता है दुनिया का कैसे चल रही है। यहाँ पर हम फिल्म देख चुके थे, शाम का समय था, और कुछ शॉपिंग भी की थी जो कि मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। हो सका तो इसी में दिखा दूँगी, अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो पक्का दिखाऊंगी। और ये है स्ट्रैटफोर्ड वेस्टफील्ड्स, यहाँ पर वो बस आप देख ही सकते हैं ना, सब में सामने बसें वगैरह खड़ी हैं। वो जो बसेज है ना, वो हम उन्हीं में एक में से बैठेंगे, उनमें से एक में बैठेंगे जो हमें घर पर वापस लेकर जाएगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पर जाकर। हम तो वैसे जाते आती रहते हैं वहाँ पर, मैं मेरी फैमिली के साथ, लेकिन फ्रेंड के साथ मैं पहली बार गई थी वहाँ पर, पहले ऐसे कभी नहीं गई हूँ फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी सुंदर था, काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर वापस आ रहे हैं घर में, घर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में सोचा वीडियो दिखाऊँ आपको कैसा है। आप सभी बताना कि आपको भी कैसा लग रहा है बाहर ऐसे देखकर। अगर अच्छा लग रहा तो पक्का मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा कि और लोग भी जो हैं मेरी वीडियो का आनंद ले सकें। जब मैं घर पहुंचने वाली थी तो वहीं पास में ये गाड़ी का शोरूम भी है, निसान की ये जो गाड़ियाँ हैं सभी, ये उनका शोरूम है, और काफ़ी सुंदर लग रहा था। मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये जो लेडीज है मेरे सामने जा रही है, पता नहीं क्या कर रही थी, चलो उसको छोड़ो, ये मॉरिसन्स है, तो शॉपिंग करने वहाँ पर भी। और मैंने यहाँ पर फ़ोन नीचे की तरफ पता नहीं क्यों कर दिया, क्या देख रही थी मैं। जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ ना वीडियो की, रात के 9:30 बजने वाले हैं, तो यही अभी टाइम मिला है बस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? ये देखें इसको और इस बेचारे को, क्या पता क्या हुआ है। चलो कोई बात नहीं, और सुना कैसे हैं आप सभी? और ये धूप देखें कैसे चढ़ी हुई है आज, इतनी अच्छी ठंड तो आ ही चुकी है यहाँ पर। अभी काफ़ी सुंदर लग रहा है बाहर, वो देखो सूरज कैसे चढ़ा हुआ है एकदम से। मैं अभी यहाँ पर खड़ी हुई थी, वो जो ब्लैक चेयर है ना वहाँ पर नहीं होती, वो यहाँ पर होती है। तो अभी बस मैं, शाम के बजे हैं 5, और मैं सोच रही थी क्या मैं करूँ अभी इस वक्त। तो सबसे पहले क्या हुआ, मन कर रहा बहुत चाय पीने को,
लेकिन चाय नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह पहले मैंने चाय आज। तो यहाँ पर एग्स रखे हुए हैं बॉईल करने के लिए। बस कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, वो वाला मौसम हो रहा है मेरे दिमाग में कि मैंने कुछ नहीं करना, बस वो वाला हो जाता है ना कभी कभी, बस वो हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन पहले मैं फिल्म देख रही थी, वहाँ पर अंदर बैठी हुई थी मैं, तो मैं फिल्म देख रही थी मैडम गीता रानी करके कुछ ऐसी है वो वाली। क्या आपने किसी ने देखी है वो फिल्म? अगर तो देखी है तो मुझे पक्का बताना। और जैसे कि आपने देखा मेरी पिछली वीडियो में, मैं गई थी फिल्म देखने लोंग लाची 2, वो पंजाबी फिल्म है और ऑब्वियसली मैं भी पंजाबी हूँ। हिंदी फिल्म भी हम लोग देख लेते हैं और बहुत, वैसे तो हम ज़्यादा इंग्लिश फिल्म और या फिर पंजाबी फिल्म ही देखते हैं बाहर सिनेमा में। हिंदी मूवीज़ तो हम घर पे देख लेते हैं अगर देखनी हो तो, बहुत कम देखती हूँ। जो मुझे अच्छे लगते हैं ना मेरे दिल से वो देखती हूँ मैं, वैसे नहीं मैं देखती। तो अभी क्या चल रहा था, वो गीता रानी मूवी काफ़ी पसंद आ रही थी मुझे, तो मैं सोचने लगी कि यहीं पर बैठ जाती हूँ, थोड़ी सी बात वगैरह हो जाएगी। जितने मर्जी बता लो बच्चों को है ना कि अच्छे से शूज़ रखना, अच्छे से सब कुछ रखना, वो नहीं मानते। ये हमारे गार्डन में डालकर जाने वाले शूज़ हैं, वो मेरे हैं, ये बेटी के हैं और वो मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं। वो बाहर जाते हैं जब घास वगैरह काटा जाता है तब। और अभी इस वक्त तो मैंने ये डाले हुए हैं फ्रेंड्स वाले मेरे, ये गर्म है अंदर से मेरी जूतियाँ। पैर कैसे हो रखे हैं ना अभी, ना कैसे हो रखे हैं यार मेरे पैर, सूजे हुए ऐसे लग रहे हैं ना मुझे। ये क्या हो गया मेरे पैरों को, मैंने देखा नहीं मेरे पैरों को आज। चलो वो जो भी मेरे शूज़ हैं वो, ये मेरे हस्बैंड ने लेकर दिए थे मुझे। वो बोल रहे थे कि ना एक यहाँ पर ना फ्रेंड्स करके ना एक है, वो क्या बोलते हैं, एक चैनल बोल रही हूँ, मेरे यार सीरियल है एक, उसका नाम है फ्रेंड्स, अमेरिका का है वो, लेकिन हम तो लंदन में हैं, तो वो ना काफ़ी पसंद किया जाता है। तो ये देखिए मेरा 5 साइज है जूती का, ये घर में अंदर डाल कर ही ऐसी हुई है, बाहर तो नहीं डाल कर जाती है, सिर्फ घर के अंदर ही पहनी होती है। ठंड हो गई है ना, तो जब चलो ना फिर गर्म ठंड लगती है किसी वक्त सुबह सुबह। ऊपर तो हमारे जो कारपेट डला हुआ है वहाँ पर तो मैं डालती नहीं, लेकिन डाउनस्टेयर्स ये जो है वैसे तो अंडर हीटिंग लगी हुई है, लेकिन कभी अभी चलाते नहीं है क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। तो फिर इससे अच्छा यही है ना कि जूती डालो घर में। सोच रहे एक आध दिन तक ना वो करूं क्या यार, वो नहीं होता जो पैरों वाला पेडिक्योर, वो करूं क्योंकि वो तो मन सा कर रहा है वो करने को, तो अच्छा रहेगा पैरों के लिए। एक ना मैंने पहली बार एक भी पहले भी किया था मैंने जब मैं इंडिया में थी, वो था VLCC का पेडिक्योर, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और वो ना यहाँ पर मुझे अमेज़न से मिल रहा है मुझे लगता है, तो वो अगर मिल जाता है, अगर हुआ वहाँ पर, तो फिर आज मेरी सुबह डिलीवरी आई है एक, ये जो है ना बर्तन मांजने वाला है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है मैरी गोल्ड का ये, और ये है बर्तन मांजने वाला ये, पूछा नहीं बोलते जिसको हम, ये है ये मुझे काफ़ी पसंद है। ऊपर से ये होता है, पीछे भी इसके मैरीगोल्ड लिखा होता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मुझे बहुत पसंद है ये, तो सोच रही इसको ना यहाँ पर रख ही दूँ यूज़ करने के लिए। ये वाले हैं ना जो ये होते हैं सस्ते वाले, मुझे पसंद नहीं है, हमारे हो गए थे ख़त्म ये, तो फिर मैंने उस वक्त के लिए क्या किया था ये यूज़ कर लिया। इसका पानी निकाल देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं सॉरी वहाँ पर, और वो सूख जाएगा तो फिर हम इसका यूज़ करेंगे। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं,
चलो क्या करते हैं कि लगे हाथ एक काम कर ही देते हैं। बर्तन मेरी मान जे, हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था, इसको हम डिश वॉशर में डाल ही देते हैं। ये कल अभी कल रात को ही मैंने क्लियर किया था, मतलब धुले हुए बर्तन निकाले थे और अब इसमें रखती हैं, और इसमें कप वगैरह या फिर कोलियाँ जाती हैं, ये गिलास वगैरह, पुराना शेक, मैंगो शेक, जो जो भी पिया था। ये है डिश वॉशर, आप सभी ने देखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, वो अभी देख लें। थोड़ा सा हो जाए ये भी, और ओवन में भी कुछ सामान डाला हुआ है, अभी बनानी है। चलो अंदर चलते हैं फिर, कुछ है तो है नहीं। हाँ जी, कुछ नहीं किया मैंने, सच में कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। सभी कुछ वैसा ही पड़ा हुआ है, ये देखें खिलौने सब कुछ। ये कितनी सुंदर लग रही है, छोटी सी है, कैसे बोलते हैं वो, मेरी बहन है, 1000ों में मेरी बहन है, लेकिन हमें एक दूसरे के संग रहना है, पता नहीं कैसे कह के वो हंस आ रहा है मुझे खुद ही पे, हंसी आ रही है, हंसी हंसा बोल रही हूँ। मैंने बोला ना कि मुझे ना पंजाबी हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती, मिक्स हो जाता कभी कभी। चलो हेलो बोलने सभी को, हेलो कैसी हैं आप, अच्छी हैं आप, कैसी हैं आप, सो जा भी, इसकी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। असली में तो नहीं पहना जाता ये शिमरी सा, है ना, ये तो नहीं डाल सकते हम लोग, इतना चुभता है। और ये जो है, कल मैं गई थी ना वहाँ पर मॉल, वहाँ से लेकर आई थी ऐसा, ये सामान मैं दिखाऊंगी आप सभी को ऊपर जाकर अभी एक व्लॉग में, ग्लेयर से और लीवा लविसा से दिखाऊंगी मैं। 1000ों में मेरी बहन है, मेरे पास वैसे बहन है नहीं है, लेकिन एक लड़की है जो यूट्यूब पर है, उनका नाम है कहाँ, रामपुर की बहू ने हाँ करके कुछ ऐसा है मेरे ख्याल से, हाँ रामपुर की बहू ने हाँ है उनके चैनल का नाम, और काफ़ी अच्छी वीडियोस वगैरह डालती हैं वो। जो जो भी मेरा फ्रेंड है वो प्लीज़ उनकी वीडियो एक बार देखना अगर हो सका, और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे। काफ़ी अच्छी वीडियो बनाती हैं, उदास हैं वो, उनका मन जो है वो अपने पापा को बहुत मिस करती हैं। पापा को कौन मिस नहीं करता है, लेकिन उनके पापा जो है भगवान के पास जा चुके हैं, अब वहाँ से वो अपनी बेटी को देखेंगे अच्छे से मुस्कुराते हुए, और अच्छे से ज़िंदगी को व्यतीत करते हुए वो देखेंगे वहाँ से। तो नेहा आप परेशान मत होएं, आपका चैनल चल पड़ेगा, अभी कुछ नया नया है तो इसी वजह से नहीं चल रहा है। बस आप हार मत मानना कि आपके चैनल व्यू नहीं आ रहे हैं, है ना, कुछ नहीं हो रहा तो आप नई वीडियो बनाएंगी, लेकिन आप वीडियो बनाइएगा, चैनल चल पड़ेगा। अभी आप मेरे चैनल को देख लें, मैंने फरवरी मार्च जनवरी फरवरी में शुरू किया था, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हुआ, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, कोई व्यू नहीं आते, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो डाल देती हूँ कि शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा। और थैंक यू जो आप मुझे इतने अच्छे कमेंट करती हैं, थैंक यू सो मच। चलो चलें, अगर आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग चिट चैट वाला पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, एंड बाय बाय।